किरण की रसोई से मैं आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थानी दाल ढोकली सिखाने वाली हूँ। आइए बनाना सीखें। आइए देखते हैं दाल ढोकली बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। दाल एक कप, एक प्याज बारीक कटा हुआ। मसाले में नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, हींग। दाल बनाने के लिए हमें ये मसालों की आवश्यकता होगी। दाल को हम 10-15 मिनट पानी में भिगो देंगे। ढोकली बनाने के लिए हमें गेहूं का आटा चाहिए। गेहूं का आटा हमें बारीक नहीं, थोड़ा सा दरदरा, थोड़ा सा मोटा आटा लेंगे। आधा कप सूजी, 1/4 कप मक्के का आटा और 1/4 कप ही बेसन लेना है। मोयन के लिए तेल लेना है, अजवाइन लेनी है, हरा धनिया डालेंगे ढोकली में, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और मीठा सोडा चुटकी भर हम इसमें डालेंगे। डो बनाना शुरू करते हैं। गेहूं का आटा डाला, बेसन डाला, सूजी डाली, मक्के का आटा डाला, 1 टीस्पून या स्वादानुसार आप नमक डाल लें, अजवाइन डाल लें क्रश करके, हरी मिर्ची डाल लें, हरा धनिया डाल लें, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा, चुटकी भर हींग डालेंगे, 1 टेबल स्पून मोयन डालेंगे और इसका हम एक डो बनाएंगे, टाइट डो बनाएंगे। डो बन चुका है, अब इसमें हम चुटकी भर सोडा डालेंगे। आप सोडा चाहें तो आटा जब मसाला मिक्स कर रहे हैं तब भी डाल सकते हैं। और इसका अच्छे से रगड़ करके हम एक टाइट डो बना करके 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। जब तक हम इसको रखेंगे तब तक हम अपना दाल के लिए मसाला पका लेते हैं। अपना कुकर गैस पे चढ़ा दिया है, इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच तक तेल डालेंगे। इसमें तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि दाल के साथ हम जब ढोकली डालते हैं तो ढोकली हमारा तेल भी सोख लेती है, तो उसमें तरी वगैरह आने में दिक्कत होती है, तो आप इसमें थोड़ी सी तेल की मात्रा ज़्यादा ही रखें। अगर आपको लगता है कि तेल कम हो गया बनने के बाद, आपको लग रहा है बिल्कुल प्लेन सा लग रहा है और सर्व करने में आपको लग रहा है कि तरी नहीं है, तो फिर आप ढोकली बनने के बाद अलग से घी का छोंक लगा करके और आप ऊपर से भी इसका छोंक लगा सकते हैं। हमारा तेल गर्म होने आया है, हम इसमें जीरा डाल देंगे, हम प्याज डाल देंगे कटा हुआ, आप बिना लहसुन प्याज के भी इसको बना सकते हैं। हमारे प्याज अच्छे हो गए हैं ब्राउन, अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, मिर्ची भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, धनिया पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्का सा भून लेंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। अब इसमें आप चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है ये। हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसकी हमें 2 तरीके से दाल ढोकली बनाना सिखा रही हूँ आपको। एक तो इस तरीके से छोटी छोटी लोई ले ली, लोई को ऐसे गोल किया, चपटा किया और इसमें ऐसे हॉल कर दिया ढोकले की तरह। ये इस तरीके से हम बना लेंगे। मैंने ये ढोकलियाँ बना ली है, इसके छेद से ये मतलब है कि अंदर से भी इसकी अच्छे से सिकाई हो जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी, कच्चे रहने का तो कोई चांस ही नहीं रहेगा इस छेद की वजह से। अब हम अपना दाल का पानी बॉईल कर लेते हैं। मसाले में मैं ढोकली उबले का इतना पानी डाल रही हूँ। अब इस पानी को हम बॉईल होने देंगे। इस मसाले के पानी को हम बॉईल होने देते हैं, तब तक मैं दूसरी ढोकली की डिज़ाइन आपको बता देती हूँ।
दूसरे तरीके से इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपको उसको बनाने में आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो एक लोई ली, आप इसको बेलें, ज़्यादा मोटा ना बेलें, बेल करके आप इसको इसके शक्कर पारे या चौकोर डिज़ाइन से काट लें। आप इसका साइज़ इतना रखना है कि आप चम्मच से उठा करके खा पाएँ, ज़्यादा बड़े बड़े चेक्स नहीं काटने हैं आपको, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद भी थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ये साइज़ में आप काट करके पानी में डालेंगे तो बड़े हो जाएंगे। ये भी आपका बहुत फास्ट तरीका है। उबाला आ रहा है, तेज उबाला, इस तेज उबलते हुए पानी में हम अपनी ढोकलियों को छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद हम इसकी 8 से 10 सीटी बजा लेंगे। हमने दाल नहीं डाली है, सिर्फ हमने अपनी ढोकली डाली है, इसकी 8 से 10 सीटी हम बजा लेंगे। हो गई है, अब खोल करके देखते हैं हम अपनी ढोकली को, खूब अच्छे से हुई है। अब हम अपनी दाल को इसमें डाल देंगे। दाल को डाल करके 1 से 2 सीटी फिर से ले लेंगे, ताकि दाल अच्छे से पक जाए। ज़्यादा दाल पक जाती है तब भी चिकनी हो जाती है ढोकली। और हमने मसाले में डाली है, मसाले में काफ़ी ऑयल है, तो देखें आप हमारी ढोकली जो है कहीं चिपकी नहीं है, और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। अब इसकी हम 1 से 2 सीटी बजा लेते हैं। हमारी दाल ढोकली बनकर के तैयार है, बहुत ही सुंदर बनी है, बहुत ही खुशबूदार बनी है। इस पे हमने प्याज और धनिया डाल दिया, नींबू भी डाल दिया, और इस पर हम गरम गरम घी डाल करके इसको सर्व करेंगे। आप भी इसको घी नींबू प्याज के साथ सर्व करके देखें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी अगली आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।